आज बात करेंगे हम लोग गाड़ी के बारे में। जी हाँ, एक आइकॉनिक गाड़ी जो लॉन्च होने वाले 2018 में इंडिया में, और साथ में ही ये जो गाड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है। गाड़ी का नाम है लैम्ब्रेटा। आगे बढ़ने से पहले, मेरा नाम है भूषण, आप हो द वैरायटी स्टफ पे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे लैम्ब्रेटा के जो मॉडल्स आने वाले हैं उनके बारे में। तो लैम्ब्रेटा ने 3 मॉडल्स इंडिया में लॉन्च करने की ठान ली है आने वाले 2018 में। 2018 में ये मॉडल लॉन्च हो जाएंगे, और मेनली ये 3 मॉडल जो है इसके नाम है V50, V125 और V200। ये 3 मॉडल्स इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं, जो कि 2 कलर्स में रहेंगे, ब्लैक और ऑरेंज। ब्लैक और ऑरेंज इस वजह से क्योंकि लैम्ब्रेटा ने KTM के साथ और एक और कंपनी है उनके साथ में कोलैबोरेट कर लिया है, और ये जो कलर है आइकॉनिक कलर्स है। फिलहाल आप देख रहे होंगे KTM में ये कलर बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऑरेंज और ब्लैक कलर। जो सेकंड कंपनी है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो है नहीं, बट फिर भी उनका जो है ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो हम लोग बात करेंगे V50 के बारे में सबसे पहले स्पेसिफिकेशन, और उसके साथ साथ एंड ऑफ द वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि प्राइस टैग क्या है तीनों गाड़ी के। V50 का जो रहेगा इंजन 49.5 सीसी का रहेगा, 4 स्ट्रोक इंजन रहेगा, एयर कूल्ड इंजन रहेगा ये वाला, साथ में ही 6.5 लीटर की इसकी टैंक रहेगी। मैक्सिमम स्पीड जो रहेगी 45 किलोमीटर पर लीटर रहेगी, ये बहुत कम है वैसे देखा जाए तो। चलिए, रियर ड्रम ब्रेक रहेगा, और साथ में ही LED लाइट्स रहेंगे। बस ये इतना ही V50 के साथ आएगा। V125 के स्पेसिफिकेशन की 124.7 सीसी का इसकी इंजन रहेगा, 10.2 BHP का इसका पावर रहेगा, और साथ में 9.2 mm के साथ ही आएगा। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम इसमें दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन से पोल्यूशन कम होता है, साथ ही पावर बढ़ती है। और 6.5 लीटर्स की इसकी टैंक रहेगी, जो कि V50 में भी है। 30 ब्रेक्स इसमें रहेंगे फ्रंट और रियर में दोनों में। LCD डिस्प्ले रहेगा, जिसमें हर एक चीज शो होगी, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और बाकी हर एक चीज। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन रहेगा इस गाड़ी में फ्रंट में। अब बैक की बात की जाए तो मोनो सस्पेंशन रहेगा, और एक जो बहुत ज्यादा नोटिसेबल थिंग आने वाली है इस गाड़ी में वो रहने वाली है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। जी हाँ, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आपको दोनों मॉडल्स में मिल जाएंगी, V125 और V200, V50 में ये अवेलेबल नहीं है। तो ये था स्पेसिफिकेशन V125 का। बात करेंगे V200 की। 168.9 सीसी का इसका इंजन रहेगा, 12 HP पे ये चलेगा, 7500 RPM पे ये चलेगा। फ्यूल इंजेक्टेड सिस्टम इसमें रहेगा। उसके बाद में बात की जाएगा सस्पेंशन की, तो फिर से वही फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, बैक में एक मोनो सस्पेंशन। फिर भी चलिए, बहुत अच्छा होता है मोनो सस्पेंशन, आपने यूनिकॉर्न वगैरह में देखा होगा। डिस्क ब्रेक के साथ आएगा, फ्रंट और रियर में दोनों तरफ डिस्क ब्रेक रहेंगे। साथ में ही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और LCD डिस्प्ले जो है वो आपको मिलेगा ही। बात की जाए अगर कलर्स की, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला है, तीनों इसमें कलर्स जो रहेंगे, ये 2 कलर्स रहेंगे, एक रहेगा ऑरेंज और दूसरा रहेगा ब्लैक। ये 2 ही कलर में ये गाड़ी मेनली इंडिया में लॉन्च हो सकती है। अभी फिलहाल मिलान में एक शो हुआ था, 17th एनिवर्सरी थी लैम्ब्रेटा की, जिसमें ये गाड़ी जो गाड़ियां है शो हुई है। तो अभी बात करेंगे हम लोग इन गाड़ियों की प्राइस टैग की। तो V50 की जो कीमत है ये बताई जा रही है ऑलमोस्ट 6 to 65,000 के बीच में रहेगी। ज़्यादा है अगर वैसी बात की जाए 49.5 सीसी के बारे में, तो ये बहुत ज़्यादा है। V125 का जो बजट रहेगा वो ऑलमोस्ट 85,000 टू 1 लाख के रेंज में जाएगा। आप लैम्ब्रेटा के साथ इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि नई गाड़ी है। वेस्पा का जो हम लोग बात करें तो वेस्पा की भी ऑलमोस्ट एक शोरूम प्राइस डेली में 85,000 है, बट उसका इंजन जो 150 सीसी का है। चलिए कोई नहीं, कुछ नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ेंगे V200 में। V200 की जो 168.9 सीसी की इसका इंजन है, हर एक चीज अच्छी है, लेकिन इसकी जो कीमत है ये ऑलमोस्ट 1.5 लाख से 2.25 लाख तक जाएगी इंडिया में। हम समझ सकते हैं कि बाकी ड्यूटीज वगैरह लगती है, टैक्स वैक्स ये वो, बट ये थी इसकी कीमत। अब देखना ये है कि लॉन्च डेट क्या है, एग्जैक्टली कब होगी लॉन्च। जहाँ तक बात की जा रही है, हो सकता है अर्ली फर्स्ट क्वार्टर जो होता है उसमें लॉन्च हो जाएगी गाड़ी,
और साथ में ही देखना यह है कि मार्केट में इसमें क्या वैल्यू होती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ भी डाउट है। उसके बाद प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा नाम है भूषण, आप थे अभी तक द वैरायटी स्टफ पे। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट, बाय बाय।